नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंचकुला सेक्टर 7 में देर रात घर के सामने खड़ी फॉर्च्यूनर कार की चोरी का मामला सामने आया है। गाड़ी के मालिक ने मामले की शिकायत सेक्टर 7 पुलिस थाना में दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस पीड़ित के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और चौक चौराहों पर नगर निगम की ओर से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। सेक्टर 7 के मकान नंबर 417 निवासी प्रतिभा पाठक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति विश्वनाथ पाठक रात को काम से वापस लौटकर फॉर्च्यूनर गाड़ी घर के सामने खड़ी की थी। सुबह उठकर देखा तो गाड़ी नहीं मिली। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दी। मौके पर एसीपी सतीश कुमार, सेक्टर 7 पुलिस थाना इंचार्ज महावीर सिंह, सेक्टर 19 क्राइम ब्रांच इंचार्ज कर्मवीर समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचे, पीड़ित और उसके परिजनों से पूछताछ की। साथ ही पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पंचकुला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। आज हमें एक सेक्टर 7 के निवासी हैं विश्वनाथ पाठक जी, उनसे शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने अपने घर के बाहर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी करी थी रात को, और जिसको रात को कोई चोरी करके ले गया। तो बाद में हम यहाँ मौके पर आए थे, हमने मौका देखा, आसपास की फुटेज चेक की, जैसे पता लग रहा है कि करीब 2:30 बजे के आसपास रात को कोई आए गाड़ी में और इसका शीशा तोड़ के और उसे चोरी करके ले गया। इस संबंध में हमने इसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब चोरों की तलाश जारी है। तो सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है सर? फुटेज हमने आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं अपने और हमारे जो पुलिस की तरफ से जो सीसीटीवी फुटेज चौकों पर लग रहे हैं वो सारा हम चेक कर रहे हैं। उसमें जो क्लू मिलता है उसमें नियम अनुसार कार्रवाई करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।